दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों वैसे तो प्यार के आगे सभी चीजें बहुत छोटी पड़ जाती हैं, यहां तक कि प्यार में कुछ भी दिखाई नहीं देता, न ही कुछ सुनाई देता है। इसीलिए कहते हैं कि प्यार अंधा और बहरा होता है। आजकल अक्सर देखने को मिलता है कि लड़के कुंवारी लड़कियों से ज्यादा शादीशुदा लड़कियों की ओर ज्यादा आकर्षित होते हैं, और इतना ही नहीं, शादीशुदा लड़कियां भी कुंवारे लड़कों की ओर ज्यादा आकर्षित होती हैं। आखिर क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है, चलो इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। दोस्तों वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करने लगें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह के रिश्तों से संबंधित अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहे। दोस्तों शादी के बाद लड़कियों में बहुत सारे शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं, जैसे उनकी त्वचा में निखार आ जाना, चेहरे की रंगत बदल जाती है, चेहरे में आकर्षण आ जाता है, कमर और बैक चौड़ी हो जाती है, नारीत्व झलकने लगता है, यहां तक कि ऊपर से लेकर नीचे तक कयामत लगने लगती हैं। वहीं इसके विपरीत कुंवारी लड़कियां हमेशा उनके चेहरे पर 12 बजे रहते हैं। वैसे तो जब शादीशुदा लड़कियां सजती सवरती और मेकअप करती हैं तो उनकी बिजली से कोई बच नहीं पाता, और उनकी बिजली भी कुंवारों पर ही गिरती है, जिसके झटके कुंवारे लड़के भी महसूस करने लगते हैं। आजकल की अनमैरिड लड़कियों के नखरे भी कुछ ज्यादा ही होते हैं, बात बात पर रूठ जाती हैं, घमंड करती हैं, बिना मतलब का एटीट्यूड दिखाती हैं, यहां तक कि एक साधारण चेहरे वाली लड़की भी कुछ ऊट पटांग कपड़े पहनकर अपने आप को परी समझने लगती है। यानी कि उनके नखरे और घमंड ही ढूंढे नहीं मिलते कि आखिर इन्हें किस बात का घमंड है। इतना ही नहीं, जिनकी शक्ल सूरत भी अच्छी नहीं है वे भी अपने आप को मिस बर्ड से कम नहीं समझती, उनके नखरे भी सातवें आसमान पर अवश्य होते हैं या देखने को मिलते हैं। जबकि शादीशुदा लड़कियों के नखरे कम होते हैं या ना के बराबर होते हैं, यहां तक कि उनमें काफी समझ भी आ जाती है, शादीशुदा लड़कियों में आत्मविश्वास भी अधिक आ जाता है, शादीशुदा लड़कियां काफी जिम्मेदार और केयरिंग भी हो जाती हैं, यहां तक कि इनमें मैच्योरिटी और अनुभव भी आ जाता है। शादीशुदा लड़कियां समय या जरूरत के अनुसार अच्छा रिएक्ट करना भी सीख लेती हैं, उनकी भावनाओं में भी वृद्धि हो जाती है, रिझाने की और आकर्षित करने की कला भी सीख लेती हैं, हर तरह का श्रृंगार भी कर सकती हैं, जो कि कुंवारी लड़कियां नहीं कर सकती। शादीशुदा लड़कियों का श्रृंगार भी एक आकर्षण का केंद्र होता है, यहां तक कि शादीशुदा लड़कियां काफी खुले विचारों की भी हो जाती हैं, किसी से बात करते समय हिचकती नहीं, उनके साथ होने पर कई तरह से लोग शक भी नहीं करते, क्योंकि कुंवारी लड़की के साथ चाहे उसका भाई ही क्यों ना हो, ना जानने वाले लोग लड़की के भाई को भी उसका बॉयफ्रेंड समझ बैठते हैं। वहीं जस्ट इसके विपरीत शादीशुदा के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी हो तो लोग अक्सर उसे पति ही समझते हैं। शादीशुदा लड़कियों के साथ घूमने फिरने जाने में भी किसी भी तरह का कोई झंझट नहीं होता, किसी भी तरह का कोई आप पर संदेह नहीं किया जाता। शादीशुदा लड़कियों के पास खर्च करने के लिए पैसे भी खूब होते हैं, और ये किसी पर भी खर्च भी कर सकती हैं। वैसे भी जिस चीज को हासिल करना मुश्किल होता है, लोग उसकी ओर कुछ ज्यादा ही आकर्षित होते हैं। शादी हो जाने के बाद लड़कियों की कई तरह की इच्छाएं और आवश्यकताएं पूरी होने लगती हैं, जिससे वे ज्यादा खुश रहने लगती हैं, और वहीं कुंवारी लड़कियां अक्सर टेंशन में रहती हैं, क्योंकि उनकी जरूरतें और आवश्यकताएं पूरी करने की कोई गुंजाइश नहीं होती या कम होती है, जिसके कारण वे अक्सर दबाव या तनाव में रहती हैं। अक्सर देखा जाता है कि शादीशुदा लड़कियां अपने आप को मेंटेन करके रखती हैं, खुले विचारों की हो जाती हैं, चाल ढाल में भी बदलाव आ जाता है, फ्री स्टाइल की चाल भी लड़कों को बहुत आकर्षित करती है। शादीशुदा लड़कियों को अदाओं का जादू चलाना भी आ जाता है, ये पूरी तरह से आत्मविश्वास से भरी होती हैं,
खुले विचारों की होने के कारण किसी भी बात को कहने से झिझकती नहीं है। बात करते समय इनके चेहरे पर एक मुस्कान देखी जा सकती है। वहीं कंवारी लड़कियों को अक्सर एक अनजान डर सताता रहता है और अपने आप को वे असुरक्षित महसूस करती हैं, जबकि शादीशुदा लड़कियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। इन्हीं सब बातों के चलते शादीशुदा लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी चमक होती है, आकर्षण होता है, एक ग्लो होता है जो लोगों को अनायास ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।